शाही ने की खुदकुशी की कोशिश। गगहा इलाके में बुधवार की रात बड़ी घटना होते होते बची। कुशीनगर के एक ही थाने में तैनात हैं और वर्तमान में पंचायत ड्यूटी के लिए गोरखपुर आए थे। कुशीनगर एक थाने में तैनात महिला और पुरुष सिपाही की भी गोरखपुर के दो अलग अलग थाने, एक की झंगहा और दूसरे की गगहा में ड्यूटी लगाई गई थी। आरोप है कि बुधवार को सभी पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंच गए थे। झंगहा में ड्यूटी कर रहे सिपाही ने गगहा में ड्यूटी कर रही महिला सिपाही के पास फोन कर बात करने का प्रयास किया। महिला सिपाही ने उसका फोन नहीं उठाया तो वह अपनी ड्यूटी छोड़कर रात में ही गगहा इलाके के उस मतदान केंद्र पर पहुंच गया जहां महिला सिपाही की ड्यूटी लगी थी। दोनों के बीच मतदान केंद्र पर कहासुनी के बाद सिपाही ने अपनी राइफल गले के पास लगाकर खुद को कपड़ा व्यवसायी अनिल पांडे को लगी गोली। बासगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बेलुडीहा में ग्राम प्रधान की प्रधानी के रंजीत को लेकर चली गोली। कपड़ा व्यवसायी अनिल पांडे को लगी गोली। आनन फानन में परिजन लेकर पहुंचे गोरखपुर अस्पताल। ग्रामीणों का कहना है कि दिनांक 15 तारीख को एक दबंग ने अमर उजाला के पत्रकार सोनू सिंह से मारपीट किए थे। सोनू की हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ PGI रेफर किया गया। आज फिर उस दबंग ने कपड़ा व्यवसायी अनिल पांडे को गोली मारी। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं न कहीं यह पुलिस की घोर लापरवाही है। पीठासीन अधिकारी की तहरीर पर एक नामजद सहित 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गगहा थाना क्षेत्र के रियाओ में गुरुवार को मतदान के दिन शाम 6:30 बजे बूथ संख्या 55 के कक्ष संख्या 1 मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी अपनी पार्टी के साथ कागजात तैयार कर रहे थे। तभी बस चालक बस लेकर चला गया। पीठासीन अधिकारी शकील अहमद ने इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट हीरा लाल को फोन पर दी। सेक्टर मजिस्ट्रेट बूथ पर लगभग 7:30 बजे पहुँचे और सभी को लेकर मत पेटिका के साथ निकल रहे थे। तभी प्रधान प्रतिनिधि ब्रिजेश शाही सहित 50 अज्ञात लोगों ने घेर लिया और अब शब्दों के साथ पूरी टीम को विद्यालय प्रांगण में बंद कर दिया। पीठासीन अधिकारी शकील अहमद की तहरीर पर ब्रिजेश शाही सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 17(ग)(143), 341, 353, 504 के तहत मुकदमा। गोला में याद किए गए डॉक्टर अम्बेडकर। गोला गोरखपुर। उपनगर गोला के बेवरी गांव में शुक्रवार को समाज के वंचित वर्गों, पीड़ितों एवं नारियों के अधिकारों के मसीहा, संविधान निर्माता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य शिवचंद यादव ने उनके जीवन व संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि बाबा साहेब समता मूलक समाज की स्थापना के पक्षधर थे। उन्होंने देश को चलाने के लिए एक संविधान दिया। बाबा साहेब सदैव समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। इस अवसर पर ब्रिजराज यादव, रामजी प्रसाद, अशोक पांडे, बबलू यादव, राजेश कुमार, राम मिलन, भीम यादव, उमा गौड़, दिनेश कुमार, डॉक्टर विनोद जंगी, राजमन राम। विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेज कर कार्यवाही की मांग किया। विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेज कर कार्यवाही की मांग किया। विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने गढ़ा के रियाओं में पड़ रहे फर्जी वोट के विरोध में निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेज कर कार्यवाही की मांग किया। उन्होंने बताया कि गगहा के रियाओं में पोलिंग पार्टी और मतपेटी चले जाने के बाद दो मतपेटी कमरे के अंदर बंद कर सेक्टर मजिस्ट्रेट व वहां के तैनात थाने का सब इंस्पेक्टर गौरव सिंह द्वारा प्रत्याशी की मदद में अंदर से कमरा बंद कर फर्जी वोट डलवा रहे थे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। माइक्रोस्कोप के आविष्कारक जकारिस जैनसन के जन्मदिन पर उन्हें याद किया गया। कौड़ीराम गोरखपुर। माइक्रोस्कोप के आविष्कारक जकारिस जैनसन के जन्मदिन पर उनके याद में लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के प्रांतीय संयुक्त मंत्री विश्व विक्रम विनय श्रीवास्तव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने अपने कार्यस्थल कौड़ीराम में जन्मदिन मनाया और उनके कृतित्व को नमन किया। इस अवसर पर विनय श्रीवास्तव ने कहा कि लैब टेक्नीशियन स्वर्ग स्वास्थ्य विभाग रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ का बड़ा ही महत्व होता है। इस कथन को सत्य रखने के लिए अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं एवं समर्पित रहेंगे। हम सभी लैब टेक्नीशियन बंधु मिलकर अपने देश एवं प्रदेश को कोरोना वायरस से मुक्त रखने हेतु अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सावधानी एवं जागरूकता ही बचाव है। कोरोना बहुत तेजी से अपना पांव पसार रहा है, इसलिए
हम अनावश्यक घरों से न निकलें, मास्क लगाते हुए 2 गज की दूरी बनाए। एक साथ सजी पति पत्नी की चिता मुक्ति पथ पर बने सैकड़ों लोग गवाह। बढ़लगंज। बढ़लगंज क्षेत्र के उझौली गांव निवासी 81 वर्षीय विजय नारायण ओझा व उनकी पत्नी 80 वर्षीय मुराती देवी की चिता बढ़लगंज के मुक्ति पथ पर जब एक साथ जला तो वहां गवाह बने सैकड़ों लोगों की आंख से आंसू छलक पड़े। पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा जोरों पर है। 15 अप्रैल गुरुवार को बैंक से सेवानिवृत्त विजय नारायण ओझा का देहांत हो गया। शाम होने के कारण स्वजन दूसरे दिन दाह संस्कार का निर्णय लिए कि उसी रात उनकी पत्नी मुराती देवी का भी निधन हो गया। इस घटना से पूरा परिवार हस्तप्रभ रह गया। शुक्रवार को दोनों चिताएं मुक्ति पथ पर एक साथ सजाई गईं। 3 पुत्री व 3 पुत्रों के माता पिता को ज्येष्ठ पुत्र अनिल कुमार ओझा ने सहजनवा थाना क्षेत्र में महिला ने पति पर लगाया था प्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप। पुलिस के दबिश के बाद महिला ने पलटा अपना बयान। सहजनवा थाना क्षेत्र में आज रात 8 बजे से शुरू नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस ने सड़कों पर उतरकर कईयों को चेताया, माइक से सभी को किया अलर्ट। सहजनवा थाना क्षेत्र महावीर छपरा में बाइक सवार युवक हुआ घायल। हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के हरपुर मोड़ पर ट्रैक्टर ट्राली से बाइक सवार टकराया, हुआ घायल। सहजनवा के गीडा थाना क्षेत्र में मतदान के दौरान हुए बवाल। अम्बेडकर की तस्वीर को फाड़ कर उसे अग्नि की भेंट चढ़ा कर जूतों से पीटा। बढ़लगंज। बढ़लगंज कस्बे के महादेवा मोहल्ले की निवासी व राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने अंबेडकर के पोस्टर को फाड़ कर आग लगा दी। मिली सूचना के अनुसार उनके परिवार के लोगों को पुलिस ने थाने पर बैठाया हुआ है। पूरे मामले को एसपी ग्रामीण देख रहे हैं। बताते चले कि अंबेडकर की तस्वीर को फाड़ कर उसे अग्नि की भेंट चढ़ा कर जूतों से पीटा। उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक विरोध के माध्यम से आरक्षण के चलते आत्मदाह करने वाले युवाओं को सच्ची श्रद्धांजलि दी, साथ ही आरक्षण के समूल नाश का संकल्प भी लिया। शिलोपार पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन राजेश त्रिपाठी का पूरा परिवार हुआ कोरोना पॉजिटिव। शिलोपार पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन राजेश त्रिपाठी ने बताया कि हमारा पूरा परिवार ही कोरोना पॉजिटिव हो गया है। पहले श्रीमती जी की कोविड जांच में पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। आज पूरे परिवार ने बढ़लगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जांच कराई तो अधिकांश का पॉजिटिव आ गया। ऐसे में हम पूरे परिवार के साथ अपने घर पर क्वारंटीन हो गए हैं। इस बीच अगले 14 दिन तक हमारी आपकी सीधी मुलाकात संभव नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बाहर रहें या घर में, पैदल रहें या गाड़ी में, मास्क अनवरत लगाए रहें, इससे कोरोना से भी बचे रहेंगे और 1,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माने से भी बच सकते हैं। पार्षद जियाउल इस्लाम की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। चौरी चौरा नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। पिता ने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। दीवानी कसहरी गोरखपुर में आज 18 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कल दिनांक 17 अप्रैल 2021 को दीवानी कसहरी बंद रहेगा। थाना पिपराइस। अपहरण के आरोप में अभियुक्त गोलू निषाद पुत्र रामदरस निषाद निवासी जंगल अहमद अली शाह टोला रामपुर थाना पिपराइस जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। जिले के अलग अलग थानों में शांति भंग में 4 मुकदमे कायम, 9 व्यक्ति गिरफ्तार। गीडा पुलिस को मिली कामयाबी, मारपीट व हत्या के आरोप में अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगर आयुक्त के कोरोना संक्रमित होने पर डीएम ने लिया नगर आयुक्त का चार्ज।